तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो फैन कोड ईसीएस ऑस्ट्रिया टी10 लीग है ना, इसका भाई जो आज का पहला और दूसरा मैच और टूर्नामेंट का, भाई ये पहला और दूसरा ही मैच है क्योंकि ऑस्ट्रिया टी10 लीग आज से ही स्टार्ट हो रही है। और आपको पता होगा जो ईसीएस टी10 मतलब लीग होती है ना, उनमें हमारा रिकॉर्ड कितना गजब का रहता है। अभी जो लास्ट टी10 लीग खत्म हुई है हंगरी वाली, उसमें भी एक तरफा विनिंग आपके भाई ने आपकी करवाई थी और उम्मीद है भाई ये वाली टी10 लीग भी हमारे लिए वैसी जाएगी। क्यों क्यों जाएगी, इसका रीजन है क्योंकि हमारे पास एक एक प्लेयर के स्टैट्स अवेलेबल है, साथ ही पता है कौन सा प्लेयर किस सिचुएशन में आकर किस सिचुएशन में आकर कहां पर क्या कुछ परफॉर्मेंस दे सकता है। तो सारी डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे, कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, कौन सी टीम वीक है, बैटिंग फर्स्ट कौन करेगा, बैटिंग सेकंड कौन करेगा और किस सिचुएशन में हमें किस टीम के साथ जाना चाहिए, सारी चीजें बताने वाला हूं। बस भाई वीडियो को आप लाइक करके और आराम से बैठ जाओ, 8 से 10 मिनट की वीडियो रहेगी, बस आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। बट अगर वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि यार अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा यार, मतलब ऐसे मेहनत करने में। देखिए आपके लाइक करने से मेरे अकाउंट में कोई पैसे नहीं आ रहे, बट मतलब मोटिवेशन जो आ रहा है ना मेरे दिल में वो सच में गजब का होता है, ठीक है। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, अभी हम जो भी बात करेंगे वो सिर्फ एक डेमो टीम के बतौर बात होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वो आपको आफ्टर टॉस आफ्टर लाइनअप्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल भी आपको ज्वाइन कर लेना, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने प्रोवाइड करवा रखा है। अब चलिए भाई बात करते हैं यहां पर मैच की। तो इंडियन वियना वर्सेज पाकिस्तान सीसी के बीच मैच खेला जाएगा। बात करें डेट एंड टाइमिंग की तो आपके सामने 20 जून यानी कि भाई आज मैच खेला जाएगा। पहला मैच दोपहर को 12 बजे, दूसरा मैच दोपहर को 2 बजे, दोनों मैच के लिए सेम वीडियो रहेगी सबसे पहली बात। तो वेन्यू की अगर बात करें तो सीबान क्रिकेट ग्राउंड सीबान में मैच खेला जाएगा। अभी ऑस्ट्रिया की किस किस के साथ थी भाई, शायद ट्राई सीरीज थी, अब दो कंट्री कौन सी थे एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है। वो भी भाई यहीं पे सीबोर्न में खेली गई थी, वो T20 ट्राई सीरीज थी, ठीक है। ये T10 मैचेज है। यहाँ पर अगर बात करें पिच रिपोर्ट की तो पिच रिपोर्ट आपको बता दूँ काफ़ी अच्छी विकेट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी खासी हेल्प रहेगी। थोड़ी सी बाउंड्रीज यहाँ पर शॉर्ट रहेंगी T10 मैचेज में और ये भाई बैट्समैन को हेल्प कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया, टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो @realkpm1 बिना स्पेस के और भाई सारे स्मॉल लेटर्स, बिना स्पेस के सारे स्मॉल लेटर्स, जैसे आप सर्च करोगे आपको हमारा चैनल यहां से मिल जाएगा, ठीक है। सर्च करने के लिए आपको सिंपली अपने सर्च वाले आइकन पर क्लिक करना, टेलीग्राम पर जाकर वहां पर आपको @ लिखना, उसके बाद @realkpm@realreal लिखोगे ना तभी भाई आपको टॉप पर हमारा चैनल दिख जाएगा, ठीक है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पूरा लिखकर ही सर्च कीजिए क्योंकि काफी सारे फेक चैनल बने हुए हैं, जैसे आप ये पूरा यूजर नेम डालोगे आपको एकमात्र हमारा चैनल टॉप पर दिखेगा। अभी करंटली बात करें तो भाई यहाँ पर 5900 मेंबर हमारे चैनल पर हो चुके, तो आपको 5.9K की फैमिली दिखा रहा है। हो सकता है आप आओ तब कुछ मेंबर चले जाए या कुछ और ऐड हो जाए तो 5.9K की बजाय आपको 6K की फैमिली दिखाए या फिर 5.8K की फैमिली दिखाए, लेकिन चैनल हमारा यही है। यूजर नेम आप देख सकते हो या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, आपको लिंक मिलेगा और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिंड कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब चलिए भाई यहां पर बात कर लेते हैं मैच के बारे में। एवरेज स्कोर की बात करें तो भाई आप देख सकते हो 97/20 के बीच में आपको एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें इंडियन वियना की टीम प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस प्लेयर्स के स्टैट्स की तो यहां पर आप देख सकते हो जो कुणाल जोशी आपको दिखेंगे 26 मैच में 401 रन और 18 विकेट, गजब का प्लेयर है, हर हाल में आपकी टीम में होना ही होना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हो मतलब परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, बंदे ने जबरदस्त दे रखे, ऐसा नहीं है कि हल्की परफॉर्मेंस है, ठीक है। इकबाल हुसैन की बात करें अगेन भाई बेहतरीन ऑल रेटिंग बैट्समैन है, 33 मैच में 701 रन है, गजब का प्लेयर है, जरूर से ट्राई करना ही करना है। रंजीत सिंह की बात करें 15 मैच में 221 रन 3 विकेट, जीएल मिनी जीएल में सीवीसी स्मॉल लीग में आप इसे एज ए प्लेयर अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। वही अगर बात करें भाई मेहर चीमा की तो आप देख सकते हो यहाँ पर भाई आपको दिखेंगे 27 मैच में 490 रन है और विकेट कीपिंग करते हैं आपको दिखेंगे मोस्ट प्रोबेबली, बाकी जो भी इनका रोल रहेगा बता दूंगा, गेंदबाजी भी ये कभी कभी करवा लेते हैं लेकिन मोस्टली मैचेस में भाई आपको विकेट कीपिंग करते दिखने वाले हैं।
वही अगर आगे बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको अभिषेक गोपाल कृष्णन दिखेंगे, 24 मैच में 384 रन, 7 विकेट, ठीक ठाक प्लेयर है। बैटिंग ऑर्डर के ऊपर ध्यान दीजिएगा, बैटिंग ऑर्डर अगर नीचे रहेगा तो भाई हम इसे ड्रॉप करके चलेंगे। और हाँ, जो ECS अपना ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर रिलीज करता है ना ECS क्रिकेट बोर्ड इन मैचेस का, वो भी मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ठीक है। वही अगर बात करें मानी सिंह की, तो भाई 11 मैच में 9 विकेट, गजब का प्लेयर है, जरूर से ट्राई कीजिएगा, गेंदबाजी पर्पज से आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ से रहने वाला है। वही अगर बात करें यहाँ पर सनी बैंस की, तो 12 मैच में 1 रन है और भाई विकेट इन्होंने निकाला नहीं है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ओनली जीएल मिनी जेल में ट्राई कीजिएगा। सुमेर शेरगिल की बात करें 22 मैच में 25 रन 4 विकेट, अगेन भाई जीएल मिनी जेल में ट्राई कीजिएगा। अहमद गानी की बात करें 16 मैच में 77 रन 8 विकेट, ठीक ठाक प्लेयर है, जरूर से आप इसे जीएल मिनी जेल में CVC के तौर पर लेके जा सकते हो, स्मॉल लीग में एज ए ट्रंप कार्ड प्लेयर लेके जा सकते हो। दाऊद जादरान की बात करें मस्ट पिक प्लेयर रहेगा, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, 21 मैच में 25 विकेट, गजब का प्लेयर है, एकमात्र स्ट्राइक बॉलर है टीम का, जरूर से आप इसे अपनी टीम में रखेगा। अमनदीप छाबरा की बात करें तो 8 मैच में 74 रन, अगेन जीएल मिनी जेल में ट्राई कीजिएगा, स्मॉलिंग में आप इसे इजीली ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही अगर बात करें यहाँ पर आप इस टीम की तरफ से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की, तो यहाँ पर देखिए ऊपर से कुणाल जोशी आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, इसके अलावा इकबाल हुसैन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, रंजीत सिंह इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैर चीमा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। 4 प्लेयर ऊपर से हो गए, 1 प्लेयर यहाँ से भाई जो आपके लिए नीचे रहेगा, 5वां प्लेयर दाऊद जादरन रहेगा, अहमद गानी को एज ए ट्रंप कार्ड आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब अगर बात करें आप पाकिस्तान CC की टीम की, तो यहाँ पर भाई मोहम्मद कासिम के स्टेट समय मिले नहीं, इसके अलावा भाई यहाँ पर अगर बात करें सिकंदर आयात 22 मैच में 160 रन और 21 विकेट, गजब का प्लेयर है, हर हाल में आपकी टीम में होना ही होना चाहिए। अमार नईम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 25 मैच में 391 रन और 5 विकेट, अगेन भाई बेहतरीन प्लेयर है, जरूर से आप ट्राई कीजिएगा। ईमान गोराया के स्टेट्स भी हमें नहीं मिले, बट मोस्टली भाई आपको अच्छी खासी गेंदबाजी करवाता दिखेगा, इसके मतलब डोमेस्टिक लेवल के स्टेट्स थे वो भी भाई टेस्ट के, वो भाई मैंने यहाँ पर आपको दिए नहीं, क्योंकि T10 और टेस्ट में दिन रात का फर्क होता है भाई। नवाद हुसैन की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर 25 मैच में 22 विकेट प्लस 200 प्लस रन भी है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, जरूर से आप इसे अपनी टीम में ट्राई कीजिएगा। वही अगर बात करें जियाउर रहमान सिनवारी की, तो भाई इसे आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, क्यों, क्योंकि भाई 9 मैच में सिर्फ 3 विकेट है, ठीक है, यह चीज आपको ध्यान में रखनी है, 9 मैच में सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट है, तो अगेन भाई आपको बता दूं बहुत ही ज्यादा मतलब नॉर्मल प्लेयर है, बस आप इसे जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। कामरान नईम की बात करेंगे तो भाई आप देख सकते हो 11 मैच में 8 विकेट है, अगेन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, ट्राई आप कर सकते हो। इसके अलावा रुहुल्ला अब्दुल रहीम जाई की बात करें तो भाई 8 मैच में 5 विकेट है, ठीक ठाक प्लेयर, जीएल मिनी जीएल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। छदनान खान भाई काफ़ी खतरनाक प्लेयर है और टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेगा, प्लस भाई 2 ओवर की गेंदबाजी करता दिखेगा, बेहतरीन CVC का ऑप्शन आपके लिए यहाँ से रहने वाला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। आसिफ जजाई की बात करें 9 मैच में 3 विकेट, जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर अगर बात करें मोहम्मद अजमल, अगेन जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो प्लेयर अगर मैं मार्क करूँ सिकंदर आया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें नवीद हसन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आमिर नईम को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 प्लेयर हो गए, मतलब आमिर नईम को मैं ट्राई करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा, कन्फर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे सदनान खान इंपॉर्टेंट रहेगा, कामरान नईम इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये भाई 5 प्लेयर हो गए, और नीचे आकर भाई आप यहाँ पर ट्राई करना चाहो ना तो भाई यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो, जो रुहुल्ला अब्दुल रहमत जाइए इनको भी आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं डेमो टीम के। अगेन मैं आपको बता दूं, अभी मैं जो भी बात करूंगा ना वो सिर्फ और सिर्फ एक डेमो टीम के बराबर बात होगी, फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, तो अभी के अभी जाइए, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, मतलब या तो क्या कन्फर्म मिलेगा ही मिलेगा, या तो आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आप जाइए, पिंड कमेंट में आप जाइए, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। सर्च कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता रखा है। यहां पर अगर बात करें तो आपके लिए मेहर चीमा मस्ट पिक प्लेयर रहेगा, इसके अलावा यहां पर अगर बात करें तो आमिर नईम को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वही अगर बात करें यहां पर अगर बात करें तो कुणाल जोशी आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर रहेगा, एस हयात आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके अलावा यहां पर इकबाल हुसैन 100% आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने ही रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो आपके लिए सदनान खान मस्ट पिक प्लेयर रहेगा, ए गोपाल कृष्णन को हम ट्राई करेंगे, दाऊद जादरान इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें रोहिल नईम को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, बट अभी के लिए मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से अगर बात करें ए गांधी इंपॉर्टेंट रहेगा, आई गोराया को मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। स्टैट्स इसके नहीं मिले थे बट भाई काफ़ी अच्छा गेंदबाज है टेस्ट के बलबूते पर, तो इसीलिए भाई मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ से अगर बात करें तो हनन महमूद को आप ट्राई करना चाहो तो
कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं यहाँ से ड्रॉप करके चल रहा हूँ। अगर यहाँ से बात करें तो भाई मनी सिंह को आप ट्राई कर सकते हो, बट भाई यहाँ से मैं इसको भी ड्रॉप कर रहा हूँ। यहाँ से भाई एक दो प्लेयर थे जो शायद मिस हो गए, कामरान नईम को तो मैंने ट्राई कर लिया, नवीद हसन को शायद मैंने मिस कर रखा है, ठीक है। नवीद हसन को भाई हम यहाँ से ट्राई करेंगे ही करेंगे। बैटिंग सेक्शन में देखते भाई, नवीद हसन कहीं तो मिलेगा ही हमें, ठीक है। नवीद हसन यही रहा भाई, यहाँ से हम इसको ट्राई कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक प्लेयर यहाँ पर बचा है वो भाई गेंदबाजी सेक्शन में हमें देखना पड़ेगा। दाऊद जादरन को हमने अपनी टीम में ट्राई किया, अहमद गांधी को हमने ट्राई कर लिया। इसके अलावा सुमेर शेरगिल को आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर भाई मनी सिंह को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एम सिंह को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो मनी सिंह को मैं अपनी टीम में लेके जा रहा हूँ। सी वी सी की बात करेंगे तो भाई वी सी में आसिफ इकबाल हुसैन को दे रहा हूँ। कैप्टनसी की बात करें तो भाई सदनान खान के साथ मैं जाऊँगा। बाकी अगर आप चाहो तो एस आयात के साथ जा सकते हो, कुणाल जोशी के साथ जा सकते हो, ये भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्लेयर और मैं आपको बताता हूँ, जो जिसको आप ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आप टीम का प्रीव्यू देख लीजिए। कुछ इस प्रकार की टीम आपको हमारी दिखने वाली है। अगर इसमें कुछ भी चेंजमेंट होता है तो इसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और अगर यहाँ से बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन में भाई, यहाँ से अगर बात करें आमिर रहीम की, भाई बहुत ही गजब का प्लेयर है, ज़रूर से आप इसे अपनी टीम में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखें, बट अभी के लिए अगेन मैं भाई से महर सीमा को अपनी टीम में लेके जा रहा हूं। फाइनल प्रीव्यू आप देख सकते हो, अभी के लिए जो मेरी टीम है वो कुछ इस प्रकार की रहेगी। अगर इसमें कुछ भी चेंजमेंट होता है तो उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, अभी के अभी जाइए। या फिर भाई मैं अभी आपको बता देता हूं, अगर आपको बाई चांस लिंक और ना करे डिस्क्रिप्शन वाला, तो आप टेलीग्राम पर जाइए, सर्च वाले आइकन पर क्लिक कीजिए, @real, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में लिखना है भाई सारा, @realKPM1। आपको पूरा का पूरा ये यूजर नेम डालना, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। अभी करंटली भाई 5900 सब्सक्राइबर्स हैं, यहाँ पर 5900 मेंबर्स की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। या तो आपको यहाँ पर 5.8K की फैमिली दिखेगी, या फिर भाई यहाँ पर आपको 6K की दिख सकती है, अदरवाइज भाई 5.9K की तो दिखने ही वाली है। तो सेम इसी चैनल पर आकर आपको ज्वाइन हो जाना है। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।